हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना? क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3। बहुत ही बेसिक से इसको समझेंगे। और हाँ, मैं आपको इसमें वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक समझिए जो आपको ओटी में मदद करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम तो आप समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण का युग्म होगा जिसमें दो चर होंगे। मतलब यहाँ देखो, मैंने यहाँ देखा a1x b1y c1z इक्वल 0, a2x b2y c2z इक्वल 0। सॉरी, इसको हटा दो, है ना, जेड को हटा दो। क्या? जेड को हटा दो। दो चर वाले हैं ना? कौन से हैं? दो चर वाले। अब आप देखो, मुझे इसमें आपको दो चर दिख रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। हाँ, है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो आपके कितने चर हैं इसमें? सर, दो चर हैं। तो आपके इसमें युग्म का मतलब होता है दो जोड़ा, पेयर, दो समीकरण आपके होंगे रैखिक वाले, ठीक है? अब आगे देखो, कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, उनको ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ रेखा ली। क्या ली? मैंने दो रेखाएं ली, ठीक है? मैंने एक रेखा ली, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है ना। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। अब यहाँ देखो, मैंने एक रेखा ये ली, ठीक है, जो समांतर रेखाएं हैं, और इस रेखा को, इस लाइन को मैं इसके ऊपर रख दूँ। ध्यान से देखना, मैंने इस लाइन को इसके ऊपर ही मैं रख दूंगा, तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? एक के ऊपर एक रेखा या लाइन को आप ऊपर रख देते हो, उसको कहते हैं अपन संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संपाती। तो देखो, इसका नाम होगा आपका प्रतिच्छेदी। क्या? प्रतिच्छेदी, ठीक है? ये क्या होगा? समांतर रेखाएं, रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, आपका पैरेलल लाइंस, पेयर, है ना, और ये आपका हुआ। इसमें भी टू लाइंस थी, है ना, दो रेखाएं थी, एक के ऊपर मैंने एक रखती है ना, तो आपकी एक दिख रही है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है संपाती रेखाएं। क्या? संपाती रेखाएं, ठीक है। ये आपका रहेगा किसमें? ये किसमें रहेगा आपका? ग्राफीय है। किसमें? ग्राफीय है रूप। कौन सा रूप है जी? ग्राफीय रूप। पूछता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाओं का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है। समांतर रेखाओं का साइन कैसा होगा? ऐसा होगा। संपाती रेखाओं का साइन कैसा होगा? ऐसा होगा। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे यहाँ देखो, इसको अपन लिख सकते हैं। देखो, तुलना करेंगे अपन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं रैखिक समीकरण युग्म के, ठीक है? तो इसको अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्या? a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2। ध्यान से समझना, इसको ओटी यहीं से बनेगी। a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2। एक कंडीशन ये है, ये कंडीशन कब होगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी जब ये कंडीशन बनती है, ठीक है? अब इसमें आप बीज गणितीय में क्या होगा? बीज गणितीय है ना, बीज बीज गणितीय रूप में क्या होगा? जब अगर आपका ऐसा बन रहा है, अगर आपने क्वेश्चन है, अगर आपका ऐसी वैल्यू आ रही है, a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2 के बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? कोई हल नहीं है, या एक
गलत लिख दिया, आप लिखोगे एक अद्वितीय हल है। क्या लिखोगे? एक अद्वितीय हल है। अगर आपसे पूछे एक अद्वितीय हल के लिए आप इसको बीजगणित रूप में कैसे प्रदर्शित करते हो, ऐसे a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। ऐसी समांतर रेखाओं को देखो आप, समांतर रेखाओं का होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। a1 a2 वैल्यू इक्वल है b1 b2 के, ठीक है, और c1 c2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा? इसका तो आगे समझ में, इसका होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसमें देखो रेखा समपाती होती है, इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या बनती है, इसकी बनेगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तीनों लाइन्स कैसी हैं? बराबर हैं। दोनों लाइन कैसी हैं? बराबर हैं, इनकी वैल्यू बराबर है। क्या लिखोगे आप? अनंत अनंत अनेक हल हैं होंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो तो अनेक हल होंगे, ऐसी कंडीशन हो तो कोई हल नहीं है, ऐसी कंडीशन होगी तो एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? जो लाइंस ध्यान रखना, कभी लाइंस बना के दे दे, ग्राफ है निरूपण में प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। बीजगणित में एक अद्वितीय हल का क्या होता है, आप कैसे प्रदर्शित करोगे? a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। ऐसे बीजगणित रूप में कैसे कोई हल नहीं है? a1 a2 बराबर है, b1 b2 बराबर नहीं है, c1 c2। और अनंत अनेक हल में a1 बराबर है a2, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। समझ लिया? ये आपका बेसिक होता है, इससे आपकी क्या बनती है? OT बनती है, ठीक है। इसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, और मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो OT के लिए, आपके OT यहाँ से पूछता है, ठीक है। मैं डाल दूँ इसको, ठीक है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको जो रैखिक समीकरण दिख रहे हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू मुझे को फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लेट करोगे, ठीक है। आपने लेट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस के y इजिकल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट, एक्स माइनस के वाई इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सब पहले क्या करना है आपको, 1 और 2 मानना है, मान लिया। अब आप यह समीकरण 1 से कर सकते हो या समीकरण 2 से कर सकते हो। सर हम तो समीकरण 1 से करेंगे, कर लो। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखना क्या लिखा है, एक्स प्लस के वाई इजिकल टू 14, ठीक है। अब यहाँ पहले आप x की वैल्यू निकालो, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो y को कहाँ भेजोगे? उस तरफ। y यहाँ प्लस का, उस तरफ जगह किसका होगा? माइनस का होगा। सर ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो गया। सर कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे किया? यहाँ देखो समीकरण दिए होंगे आपको, मानना है समीकरण 1, समीकरण 2, पहले से कर लो या दूसरे से कर लो, किसी से भी करोगे आंसर आएगा। समीकरण नंबर 1 से तो x की वैल्यू निकालो, y को उस तरफ भेजो, या y की भी निकाल सकते हो, ठीक है। x की निकाली, y को इस तरफ भेजा, माइनस का हो गया। अब यहाँ देखो आपको करना क्या है, x का मान,
एक्स का मान समीकरण किसमें रखना है, समीकरण एक से किया है ना, दो में रखने पर, दो में रखने पर ध्यान से देखते जाना। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, यहाँ पे x लिखा है, वहां क्या लिख दो, 14 माइनस के वाई, 14 माइनस के वाई, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस के वाई इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई तो है नहीं कहीं बाहर, तो 14 माइनस के वाई इज इक्वल टू फोर, वाई और वाई ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। तो यहाँ 14 को इस तरह भेज दो तो आपके माइनस के वाई माइनस के 2y, ये 4, 14 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आपका वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 14 में से 4 जाएगा माइनस के 10, और यहाँ माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 बार। तो वाई की वैल्यू कितनी आई 5, वाई की वैल्यू कितनी आई 5। एक्स का अब यहाँ देखो, एक्स का मान और निकालना है, तो आप कहोगे वाई का मान समीकरण किसमें रखोगे, 3 में, तीन में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए अब यहां देखो, आपने वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखा, तो क्या है समीकरण नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस के वाई, 14 माइनस के वाई। तो एक्स बराबर देखा, 14 का 14 रहेगा, वाई की वैल्यू कितनी आई 5, तो माइनस के 5, एक्स बराबर आएगा 9, कितना आएगा एक्स बराबर 9, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। एक बार मैं फिर समझा दूं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो एक बार फिर देख लो, समीकरण दिए होंगे दो कोई रैखिक समीकरण, इनको आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेना है। मान लिया समीकरण 1 से मैंने सॉल्व किया, आप समीकरण 2 से भी घर पे चेक कर लेना, ठीक है। एक्स प्लस के वाई, एक्स का मान चाहिए तो वाई को मैंने उस तरह भेज दिया, माइनस का हो गया। समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2z लिखा है, देखो आप 1 से कर लिया है आपने, तो आप जो भी आंसर आएगा 3 वाले का वो आप किस में रखोगे, 2 वाले में। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस के वाई, और माइनस के वाई बराबर 4। तो 14 माइनस के वाई आपने बाहर ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस माइनस के 2y हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, प्लस कर दोगे माइनस माइनस के वाई 2y, और 14 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 14 में से 4 घटाया आपने तो कितना बचेगा 10, ठीक है। और 2 का डिवाइड, 2 आपका मल्टीप्लाई में नीचे आएगा किसमें होगा, डिवाइड में, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे 10 में कितने बार जाएगा 5 बार, 2 का भाग दिया 10 में कितनी बार गया 5 बार। एक y की वैल्यू आ गई, तो y का मान समीकरण किसमें रखोगे 3 में, ये लिखा है। स्पीड ज़्यादा है क्या, समझ तो गए हो ना। अब यहाँ रखो x बराबर 14 माइनस के y, समीकरण नंबर 3 ये आपका, x का x, 14 का 14, y की वैल्यू कितनी आई है, सर मेरे पास 5 आई है तो 5 रख दिया, 14 में से 5 घटा दिया 9 बचा, यही आपका आंसर है। x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, x और y का मान आपको निकालना था, ठीक है। आ गया समझ में, आगे देखे क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार आप वीडियो दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, और अपन क्वेश्चन करते हैं तो और समझेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या लिखा है, एस माइनस के टी, क्या लिखा है 2 वाला, चलो देखिए आपका s माइनस के t इज इक्वल टू 3, 5 s बटे 3 प्लस के t बटे 2 बराबर 6। आपको पहले देखो ये आपको प्रॉपर नहीं है, इसको पहले आप प्रॉपर करिए, कैसे करोगे, यहाँ देखो ये तो सही बना है, इसको प्रॉपर करो। तो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, 2 का मल्टीप्लाई s में तो 2s आएगा जी सर, 3 का मल्टीप्लाई टी में तो 3t आएगा सर जी,
और 3 2 6 इक्वल कितना है 6। ये 6 का गुणा किसमें हो जाएगा, इस 6 में कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 2s+k 3t और 6 6 36 6 36। ठीक है, लेट कर लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 का फ्रैक्शन है ना, 2 का मल्टीप्लाई s में 2s, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3t और 3 2 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना आया 36। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे समीकरण एक से, क्या लिखा है, s-k t = 3, टी उस तरफ जाएगा, क्या आ जाएगा 3+k t। समीकरण नंबर क्या कर लोगे सर, 3 कर लेंगे। s का मान समीकरण किस में रखोगे सर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 जो लिखा है, देखो आपने 2s क्या लिखा है, 2s+3t = 36। 2 का 2 आएगा, s की वैल्यू कितनी आई है देखो, 3+k t और 3t = 36। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा करो, 2 3 6, 2 का t में करेंगे 2t और प्लस का 3t और बराबर 36। 6 का 6 आएगा, 3 और 2 5t बराबर के 36। 6 कहाँ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, 6 कहाँ जाएगा उस तरफ, तो यहाँ बचेगा 5t बराबर 36-6। तो हाँ 5 है ना, ऐसे नहीं है, कितना है 5, 36 में 6 जाएगा 30, 5 का भाग देंगे 5 6 30, 5 6 30। टी का मान आ गया, अब किसका मान निकालोगे सर, अब निकालना है एस का, तो आप लिखोगे टी का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में, 3 में रखने पर, 3 कहाँ है, ये लिखा है क्या, s = 3+t, s = क्या आएगा 3, t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत, यहाँ थोड़ी दिक्कत आई होगी, इसको पहले सॉल्व करेंगे ना, 2s 3 का t में 3t, 3 2 6 6 36 6 6 36। आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से, फिर आपकी पूरी मेथड वही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो 2 3 6, 2 का 2t, 3 का 3t और 3 और 2 5t होता है, 6 का 6 और 6 उस तरफ जाएगा, संख्या के पास जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 30 में से 6 जाएगा 30, 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 6 बार, टी का मान 6 आ गया, टी की वैल्यू इसमें पुट कर दी समीकरण नंबर 3 में, कितना आ गया 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ गया ना समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है, (3x-ky = 3), 9x। चलिए आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, लेट करेंगे। जी सर, आपने लेट कर लिया। देखिए समीकरण एक से, ठीक है, क्या लिखा है, 3x-ky = 3, वाई कहाँ जाएगा उस तरफ, किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 भी है ना, इसको भी हटाओ 3 को, जो 3 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा सर, तो 3+ky / 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई आपकी 3+ky / 3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा जी सर, 3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक है,
एक्स का मान, मेथड वही है वैसे ही करना है सेम, कोई अलग नहीं है। एक्स का मान समीकरण किस में रखोगे? दो में रखने पर। दो कहाँ दिया? ये दिया है देखो, 9x माइनस के 3y बराबर के 9। 9 का 9, x का मान कितना है? x का मान है 3 प्लस के y, ठीक है, अपॉन 3 माइनस के 3y इजिकल टू 9, ठीक है। अब ये बताओ, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 बन जाए 3, 3 3 जाए 9, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 आ गया ना, 3 का गुणा कर दो अब, 3 दिया 9, 3 का वाई में करेंगे 3y, और ये माइनस का 3y है पहले से, और ये 9 आ जाएगा। समझ में आया ना? 3 दिया 9, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 दिया 9, 3 का वाई में 3y, माइनस का 3y, 9 का 9, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 प्लस का 3y, 1 माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 आएगा, तो इसमें तो आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। जब आपका वाई वाई कैंसिल ही हो गया तो आप इसमें कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, तो आप लिख देना इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका वाई की वैल्यू आ ही नहीं रही है, वाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इतना ही करना है, वांगे नहीं करना है, ठीक है, ओके। देख रहा है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 का 3y, 3 का 3y, 9 का 9, 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 9, वहाँ भी 9, कुछ है ही नहीं भाई, वेरिएबल वाला तो है ही नहीं, वेरिएबल वाला होता, चर वाली होती तभी तो आंसर निकलता, ठीक है। आपको इतना ही करना है। आप लिख देना इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए आप आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, 0.2x जीरो पॉइंट चार एक्स जीरो पॉइंट पाँच वाई इजिकल टू 2.3, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर नहीं बनी है, ठीक है, आप पहले इनको सही करो। देखो यहाँ से पॉइंट डालोगे, आपने देखा होगा पॉइंट डालते हैं कितने आएंगे, 2/10, 1 दशमलव है, 1 दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने नंबर ऑफ जीरो आते नीचे, जी सर, प्लस ऐसे ही इसका करोगे 3y/10 आएगा बराबर, इसका हटाओगे इसका भी 10 आएगा सर, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2x प्लस का 3y, क्योंकि नीचे आपका हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, 13/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x बचेगा सर, यहाँ 3y बचेगा सर, यहाँ 13 बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। समझ में आया ना? पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, एलसीएम लिया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कट गया 2x प्लस के 3y बराबर 13, ऐसे इसको करोगे क्या आएगा 4x, क्या आएगा 4x/10, 5y/10, 23/10, एलसीएम लोगे क्या आएगा 4x प्लस का 5y/10, 23/10, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सर, बचेगा 4x प्लस के 5y बराबर के 23, समीकरण नंबर सेकेंड। आगे समझ में? इतना कैसे निकाले हैं फिर देखो, पॉइंट डालते हैं नीचे 10 आएगा, एक संख्या तो एक जीरो आएगा, दो संख्या हो तो दो जीरो आते, यहाँ भी देखो, तो इसको अपन ऐसे सॉल्व किया, अब ये आपका प्रॉपर फॉर्म हुआ, ठीक है, इसका प्रॉपर फॉर्म ये हुआ। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा, मैं ये मिटाल रहा हूँ, ठीक है, मैं इन इसको और इसको लिखूँगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ देखो, क्या है आपका 2x प्लस के 3y इजिकल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x
प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वही करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण नंबर एक से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो देखो क्या है, 2x प्लस के 3y कितना है 13, ठीक है। अब 3y उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा जी, सर 3y उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y, और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा सर, इक्वेशन नंबर सर थर्ड हो गया जी, तीसरा हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब आप लिखोगे x का मान, समीकरण 3 में रखने पर है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब वहां देखो x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे क्या, 4x 5y बराबर के 23, 4 का 4 आएगा, x की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास, x की वैल्यू है 13 माइनस के 3y बटे 2 और सर प्लस के 5y बराबर 23, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई में होता है कट जाता है ना, तो 2 का गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 प्लस का 5y बराबर के 23। यहाँ देखो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, माइनस के सर y बचेगा, 23 तो यहीं रहेगा, 26 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा सर, माइनस का y, 26 में से 23 जाएगा 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा सर, कितना आएगा 3 आएगा सर। अब देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई है सर 3 आई है, 3 लिख दो अपॉन 2, 13 का 13 माइनस का माइनस, 3 का 3 y की वैल्यू 3 तो 3 लिख दिया, 13 का 13 3 3 9 बटे 2, 13 में से 9 का कितना बचेगा, 13 में से 9 का 4 बचेगा बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आएगा सर 2 आएगा, x का मान आ गया y का मान आ गया, ये आपको सॉल्व करना था, ठीक है, समझ में आ गया ना, पहले इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद समीकरण बनाने के बाद समीकरण एक से फिर आपका तरीका वही है, वैसे ही करना है पूरा, ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं डाल दूँ इसको, नोट करते जाना साथ में। चलिए नोट करते हो ना तो उसको आप वीडियो को रोक लिया करें, ठीक है, तो फिर आप उसको नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, रूट 2x प्लस के रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y। चलिए तो अपना आगे का देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें लिखा है आपका रूट 2x प्लस के रूट 3y इजिकल टू 0, रूट 3x माइनस के रूट 8y इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 लेट करेंगे, माना समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 से
क्या लिखा है, रूट टू एक्स प्लस के रूट थ्री वाई इजिकल टू जीरो। ये उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, और रूट टू कहाँ आ जाएगा, इसके सर नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर, तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीन। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखोगे तो क्या है, यहाँ देखो समीकरण दो आपका जो लिखा है रूट थ्री एक्स माइनस के रूट एट वाई इक्वल जीरो, ठीक है। तो रूट थ्री का रूट थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है मेरे पास, जो लिखी है देखो माइनस का रूट थ्री y अपॉन टू, इतना अंडर रूट में टू माइनस के रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो तीन तीया कितना होगा माइनस के रूट नाइन वाई, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई आठ में होगा तो आठ दूनी कितना होगा सर सोलह होगा y, और रूट टू कहाँ चला जाएगा जीरो में, क्या कहाँ चला जाएगा जीरो में। अब आप यहाँ देखो रूट नाइन किसकी वैल्यू होती है सर, रूट नाइन होती है सर रूट थ्री की, रूट सोलह किसकी होती है सर फोर की, वर्गमूल होता है ना सोलह का अंडर रूट कितना होता है फोर, नाइन का कितना होता है थ्री, यहाँ कितना है जीरो सर, चार और तीन सात वाई बराबर जीरो, वाई बराबर क्या आएगा जीरो अपॉन सेवन, ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं रहता तो वाई इज इक्वल टू जीरो ही आएगा, कितना आएगा जीरो, वाई का मान कितना आएगा जीरो, वाई का मान समीकरण किस में रखोगे तीन में रखने पर, तीन कहाँ लिखा है सर, ये लिखा है क्या है माइनस के रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू, ठीक है, एक्स इजिकल टू माइनस रूट थ्री, वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास देखो यहाँ पे जीरो, कितनी है जीरो अपॉन रूट टू, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा, और जीरो में आप रूट टू का डिवाइड दोगे तब भी जीरो आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना, नहीं आया वीडियो एक बार देखेंगे, तब भी नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना है, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, आंसर इसका जीरो उसका आंसर भी जीरो, दोनों के आंसर जीरो जीरो आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया आपको, बचा है क्या, चलो थोड़ा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, बाकी का आप घर से सॉल्व करके लाओगे होमवर्क में, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मुझे बता देना। क्वेश्चन है आपका 6 वाला, 3x अपॉन 2 माइनस 5 बाई अपॉन 3 माइनस के 2 और x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है, इसको देखो, सबसे पहले अभी मैंने सॉल्व किया था ना वैसे ही करना है, तीन का तीन में मल्टीप्लाई, तीन तिया 9x, दो का पाँच में दो पंचे 10y, तीन दूनी 6 बराबर के माइनस के 2, 6 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 9x 10y, 6 दूनी 12 माइनस के 12, समीकरण नंबर एक आ गया, क्या आ गया एक। ये वाला देखो दो का गुणा x में 2x, तीन का गुणा वाई में प्लस के 3y, तीन दूनी 6 और यहाँ 13/6, 6 से 6 कट जाएगा नीचे, क्या बचेगा 2x 3y बराबर 13, समीकरण नंबर क्या जाएगा दूसरा। अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है,
इतना बता दिया, आप तो सॉल्व कर लोगे ना। और इसके आगे अपना जो एक्सरसाइज है 3.3 वो अपन कल स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो आपको इतना करना है, एक क्वेश्चन इसमें आप मान लो कि आना है 101% एक क्वेश्चन चार नंबर का यहाँ से आएगा, ठीक है। 3.3, 3.4 ओनली दो एक्सरसाइज होती हैं जिनमें से यहाँ पे चार नंबर का एक प्रश्न आना निश्चित है, ठीक है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोचिंग पे तो आप सारे करते हो, तो यहाँ भी मैं देखो आपको वैसे तो सारी करा रहा हूँ, मगर जो जिस जो एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको पहले सॉल्व करा दे रहा हूँ, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन बचेंगे कुछ बेसिक और अलग तरीका का बचेगा तो मैं आपको लास्ट पे करा दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना ही करें, ठीक है, आगे करते जाइए। और हाँ, और चैनल को जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। इतना काम आपको, तीन काम है आपके, ठीक है। क्या काम है आपके? अटेंडेंस लगाना, अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करना होता है, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तीन काम आपको करना है, ये तीन काम आपके हैं और सवाल कराने का काम मेरा है, ठीक है बच्चों। आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे और अपनी अगली वाली क्लास में मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।